है शंखनाद, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बंगाल की सियासत में टीएमसी ने मर्यादा की हर लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। ममता बनर्जी के सांसद ने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी है जिससे देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान हो रहा है। बंगाल में तुष्टिकरण के लिए ममता बनर्जी की पार्टी हिंदू देव देवताओं का लगातार अपमान कर रही है। टीएमसी के सांसद ने भगवान राम और सीता पर क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन शंखनाद में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदू आस्था का अपमान करना क्या इतना आसान हो गया है, क्या मजाक हो गया है। और आज मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि सियासत के नाम पर मां सीता पर विवादित बयान देकर सनातन संस्कृति पर हमला करने वाले नेता कब माफी मांगेंगे, और वो जो सेक्युलर ब्रिगेड कहाँ है जो बात बात पर अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है लेकिन जब हिंदुत्व का अपमान होता है तो उनकी जुबान पर ताले क्यों लग जाते हैं और आंखों पर पट्टी आखिर कैसे बन जाती है। आपको राजनीति करनी है तो करिए, लेकिन सियासत के लिए मां सीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ममता के सांसद करें हिंदुओं पर आघात, देखिए और सुनिए। ये है ममता बनर्जी के पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी। इनका नाम कल्याण है लेकिन मन में पाप भरा है, तभी तो चंद मुस्लिम वोट के लिए इन्हें हिंदुओं के आराध्य राम सीता का अपमान करने में भी जरा सी शर्म नहीं आई। ममता बनर्जी की पार्टी सियासत के लिए नीचता के रसातल में पहुंच गई। आपको एक बार दिखाते हैं कि कैसे कल्याण बनर्जी जो एक सांसद है उन्होंने हिंदू आस्था पर इतनी बड़ी चोट कर। सीता रामेर का जी जे बोल छे बोलो भाग्यिस रावण আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় বলে হ্যাঁ লাল ফেটি হলুক গেরুয়া ফেটি বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তর প্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হবে। ऐसा नहीं है कि कल्याण बनर्जी की जुबान ने हिंदुओं के खिलाफ पहली बार जहर उगला हो, इससे पहले भी भगवा लोगों को दंगाई बता चुके हैं लेकिन इस बार तो कल्याण बनर्जी ने हर लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। आप केवल और केवल तुष्टिकरण के लिए हिंदुओं के भावना के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, माफी मांगना चाहिए और आने वाले चुनाव में सभी लोग सत्य देख रहे हैं, जवाब टीएमसी को जरूर मिलेगा। सियासत के लिए हिंदुओं का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं की रेप से तुलना करनी और राम भक्तों को रेपिस्ट बताना, ऐसा लगता है कि बंगाल में टीएमसी के नेता सियासत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए शंखनाद में आज हिंदुस्तान हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने वालों से पूछ रहा है, बंगाल में हिंदू आस्था का चीर हरण क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल यही आज का खड़ा हो रहा है कि क्या हिंदुओं का अपमान इतना आसान हो गया है कि राजनीति में आप वोट बैंक के लिए कुछ भी बोल देंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय, उसके बाद शंखनाद की शुरुआत। रोहित चहल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शामिल होंगे, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होंगी, विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक होंगे डिबेट का हिस्सा होंगे, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टी से है राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बादल देवनाथ समर्थक है टीएमसी के हमारे साथ शामिल हो गए हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाईएस राखी जी हिंदू धर्म गुरु है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत बादल जी आपसे ही कर लेती हूं, आप मुझे बता दीजिए कि क्या वोट के लिए हिंदू आस्था पर इतनी गहरी चोट करेंगे, सियासत के नाम पर मां सीता का इस तरीके से अपमान करेगा टीएमसी का एक सांसद? नहीं, मैंने सुना मीटिंग मैंने सुना मैडम, ऐसे कुछ समझाने के लिए कुल्लांदा ने कुछ कह दिया है लेकिन मेरा घर में भी क्या समझाने है, के लिए बस... क्या समझाने के लिए क्लियर करिए, यहाँ पर सुनिए, माफी मांगने चाहिए उनको कि नहीं? नहीं 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 नहीं, सुनिए ना मैडम, सुनिए पहले सुनिए, मेरा घर में भी मंदिर है, हर दिन मैं पूजा करता हूँ और विश्व सनातन धर्म और सनातन धर्म हिंदू धर्म के बारे में
कोई कुछ भी एक शब्द कुछ कहना बा कह देगा तो मां लक्ष्मी माता मां राम के ऊपर, मां राम मतलब भगवान विष्णु का अपमान होता है। जैसे मैं भगवान विष्णु का मैं मुंह में राम भगवान लक्ष्मी वाली बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, यहां पर बैठकर आप की बात कर रहे हैं, आप लोगों के सांसद नहीं है, आप लोगों के व्यक्ति ने हिंदुओं पर चोट करते रहेंगे, आप हिंदुस्तान बर्दाश्त करता रहेगा इसको। सुनिए भगवान विष्णु इससे जो बोल रहे हैं ना उनको पूछिए भगवान विष्णु का प्रणाम मंत्र क्या है, वो बोल नहीं पाए। अरे भैया एक सब पहले ये बताओ, आपने तो पूरे हिंदुस्तान को बलात्कार बता दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको भी आप बताइए रावण के सहयोगी ना रावण रहा ना रावण के लोग रहे, आप समझे, आप लोगों ने कहा कि सीता का हरण जो है आचार्य जी को रखिए बादल जी के साथ। अरे बादल जी आप आपका मतलब समझते हैं उसका, आपने शायद समझा नहीं है, आपने समझा नहीं है, मुझे लगता है आप तो भक्त है परंतु आप उनका अर्थ नहीं समझ पाए। उसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि तमाम हिंदुस्तान के भारत में रहने वाले हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो बलात्कारी हो गए, आप भी बलात्कारी हो गए, आप समझे, आप भी भारत के अंदर आते हैं, रावण तो भारत के बाहर का था, वो उसको वहां पे सीता जी को जो उपेक्षा करने की बात की जा रही है वहां पर तमाम लोगों को बलात्कारी बता रहे हैं। जिस देश में भगवा को लोगों ने आतंकवादी कहा था उनका तो पलायन हो गया, अब आपके पलायन की बारी आ गई है। एक बात बता दें आपको, भारत के रामचरितमानस में एक बात आई है, हरिहर निंदा सुनहि जो काना होई पाप को घात समाना, ये आप लोगों ने जो ट्रेंड बना दिया है जिस देश के अंदर हिंदू को कुछ भी गाली दे दो अब वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसके खिलाफ कार्य किया जाएगा, शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप लोगों की हिम्मत नहीं थी कि आप किसी और धर्म के ऊपर किसी और पैगंबर के ऊपर कुछ एक शब्द बोल दे, परंतु एक हिंदू धर्म ऐसा मिलता है राम को भी आप नहीं छोड़ते हैं, बात कर रहे हैं पूजा की, अरे भक्त नहीं है आप लोग वो वास्तविक और लोग हैं जिनके मुंह में राम बगल में छुरी भी। आचार्य जी मैं लौट रही हूँ, बाकी मेहमान भी है, मैं लौट रही हूँ सर। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कल्याण बनर्जी के बयान से संत समाज में नाराजगी सामने आ गई है, ममता के मंत्री के बयान से भड़का है संत समाज, ममता कैसे अपने मंत्री से माफी के लिए नहीं बोल सकती, माता सीता पर शर्मनाक टिप्पणी से नाराजगी सामने आई है, कल्याण बनर्जी के शर्मनाक बयान से पूरा संत समाज आक्रोश में आ गया है, बंगाल में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है संत समाज। बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरीके से चंद वोटों के लिए हिंदू आस्था पर चोट की जा रही है। विवेक श्रीवास्तव आप समय से पहले बोल गए सर, सवाल लीजिए मेरा, सेक्युलर ब्रिगेड कहाँ है उसमें आप भी शामिल है, जब आप कहते हैं कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए क्या हिंदुओं को गाली देने के लिए सेक्युलरिज्म होना चाहिए? अरे बात सुन लीजिए ना, हिंदू मुसलमान आप लोग करे जा रहे हैं सर, आप ही कर रहे हैं, मौका तो दे रहे हैं ना टीएमसी के सांसद, इनको राम से प्रेम नहीं है, आप धर्म को राजनीति में लाते हैं, विवेक श्रीवास्तव होता है जब माँ सीता के अस्तित्व को लेकर पार्लियामेंट में इसी एनडीए सरकार के मंत्री कहते हैं कि माँ सीता का अस्तित्व नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जिस पेरियार ने हमारी माँ सीता और भगवान राम का अपमान किया उसी पेरियार का महिमा मंदिर तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, तब संसार नहीं होता, हिंदू समाज हिंदू संस्कृति तब संसार नहीं होता, जब पेरियार का चहल क्या बताएंगे, चहल तो जानते भी नहीं होंगे पेरियार कौन है, पेरियार रामास्वामी उर्फ पेरियार का
जब ये मान मर्दन करते हैं बीजेपी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, तब भगवान सीता का अपमान नहीं होता है? जब माँ सीता के अस्तित्व के पे सवाल उठाते हैं केंद्रीय मंत्री इनके एनडीए फर्स्ट में, ऋषि मिश्रा जी आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो कि सनातन धर्म की इतनी बड़ी संस्कृति, सीता मैया के बारे में बात हो रही है और ऋषि मिश्रा चले गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ऋषि मिश्रा चले गए यहाँ के पूरे संविधान के ऊपर, आप बोल क्या रहे हो? आप लोगों ने आज तक भगवान का सम्मान किया ये बताइए? बंगाल की धरती पर ममता दीदी ने सिर्फ और सिर्फ अन समाज सनातन धर्म का अपमान किया है। ऋषि मिश्रा आप क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम है वो धरती बंगाल की जो अपने इतिहास और अपने गौरव के लिए जानी जाती है, जहाँ पर दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा मैया की पूजा होती है, ममता बनर्जी दीदी ने वहाँ पर दुर्गा पंडाल का अपमान किया, उनको बंद कराया, वहाँ पर दुर्गा की पूजा बंद कराई और आज उनके बारे में पेरियार खड़े हो करके सीता मैया के बारे में ऐसी बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, मैकेंजी सोता का विषय नहीं है ये, बाकी मेहमान भी आने का विषय है, बाकी मेहमान भी है। ऋषि जी सीता से है तो कहिए ना कि शर्म आती है ऐसे लोगों के बयान पर, कहिए ना कि शर्म आती है ऐसे लोगों के बयान पर, टेबल भी इतने सारे लोग आती है, टेबल भी इतने सारे लोग करके जिसने पार्लियामेंट में कहा था मां सीता का अस्तित्व नहीं है। रोहित चहल जी आ रहे हो, हिम्मत है, रोहित चहल जी जवाब दीजिए, हिम्मत है रोहित चहल का, रोहित चहल जी जवाब दीजिए। इनको अगर चुप कराएंगे, इनको एक बहुत ही मजाक का विषय लग रहा है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, जैसे एक सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए, कल्याण बनर्जी कौन है ये आपको पता होगा ना, तो कहिए ना कि माफी मांगे, माफी मांगे, मैं कहता हूँ यहाँ पर बैठे मजाक बना रहे हैं, जिसने माँ सीता का शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, झूठ के साइंस ये ममता बनर्जी जी की जो एक सरकार वहां पर है, टेरर मेकिंग जो कंपनी है टीएमसी, वो लगातार प्रभु राम का नाम जय श्री राम लेने पे ममता बनर्जी कहती है ऋषि मिश्रा यहाँ बैठकर आप इस बयान को डिफेंड नहीं कर सकते, मैं लौट रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है कल्याण बनर्जी के बयान पर, बीजेपी का बंटवार सामने आ गया है, बड़ी खबर, टीएमसी ने हिंदू आस्था का अपमान किया है, संबित पात्र ने कहा है टीएमसी ने बड़ा अपराध किया है, सिर्फ अपमान ही नहीं है ये अपराध बता रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ी खबर इस वक्त में आपको बता दूं, टीएमसी के सांसद का ऐसा बयान ये सिर्फ अपमान नहीं है, घोर अपराध है। देखिए कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है ये बहुत निंदनीय है, ये एक बड़ा अपराध है, करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता माँ को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। मैं कह पूछता हूं ममता बनर्जी से, ममता जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता माँ और भगवान राम के लिए किया गया है, क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? वायस राखी जी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, बंगाल दुर्गा पूजा के लिए पूरे विश्व में चर्चित रहता है, उस बंगाल में माँ सीता का अपमान हो रहा है राखी जी। देखिए लक्ष्मी, पहले तो मैं बताऊं आपके चैनल पे मैंने बहुत डिबेट्स किए हैं, लेकिन आज मेरा मन बहुत दुखी है, धर्म के साथ जुड़े होने के बाद और जिस तरह से ये ऋषि जी बंदरों की तरह उछल रहे हैं और उछल कर गलती मानने की जगह पर बदतमीजी कर रहे हैं, ये आप बैठी हैं चैनल पर, मैं बैठी हूँ, ये बैठी है, लेकिन इन्हें महिला से बात करने की भी तमीज नहीं है और गलती नहीं मान रहे हैं। आप ये बात समझिए कब तक सीता जी पर हाथ उठाते रहेंगे आप लोग, धर्म के लिए ऐसी बात बोलने पर ना केवल कल्याण जी को पार्टी से निकालना चाहिए बल्कि उनको दंडित भी करना चाहिए, उन्हें सजा भी देनी चाहिए, इस तरह से उंगलियां उठाकर बात करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या बैठ कर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि मेरे धर्म के लिए बात हो रही है और धर्म के लिए सीता माँ पर बात हो रही है, जीत के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि कुछ भी करेंगे। आपको सिर्फ ये बोलना चाहिए कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, धर्म का अपराध हुआ है,
धर्म का अपमान हुआ है और उन्हें इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द, ताकि ऐसी सजा दोबारा हिंदू धर्म के बारे में बोलने से पहले और सीता मैया के बारे में बोलने से पहले कोई 10 बार सोचे। हिम्मत नहीं है, किस चीज की हिम्मत नहीं है? हिम्मत आप में नहीं है, हिम्मत आप में नहीं है ये बोलने की धर्म के प्रति बात जो है वो गलत हुई है, क्योंकि आपको डर है, आपको कुछ लोगों को कुछ रखना है, हमें किसी को कुछ नहीं रखना। या धर्म की बात है या एक नारी के सम्मान की बात है, सीता मैया की बात है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप हिंदू हो या नहीं, आप हिंदू हो या नहीं पहले ये बताइए, आप हिंदू हो, आप हिंदू हो या नहीं हो पहले ये बताइए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप हिंदू हो या नहीं हो, और हिंदू हो तो आपकी गर्दन शर्म से झुकनी चाहिए, आपको चुप होना चाहिए। आपकी माँ के बारे में बात हो रही है, सीता मैया के बारे में बात हो रही है, सारे समाज के शख्सों के बारे में बात हो रही है, धर्म के बारे में बात हो रही है। संजीव कौशिक, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए और आपको शर्म के साथ साथ माफी मांगनी चाहिए। पैनल पे 3 महिलाएं बैठी है, आप उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे, आप सीता जी की क्या करेंगे? सीता जी की क्या करेंगे? शब्दों का चाहिए, उछलने से कुछ नहीं होता है, उछलने से कुछ नहीं होता है। अपनी बात को बोलिए, आप बोल दो, आप हिंदू नहीं हो, मैं शब्दों का चयन बहुत गंभीरता से करना होगा। डिबेट का डेकोरम नहीं खत्म कर रहे दूसरी तरफ, प्लीज सर। ये धर्मगुरु का एक सेकंड रुकिए, विक्रमादित्य जी धर्मगुरु मत कहिए, रुकिए एक सेकंड, उनको क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे, लोग है वो भी किसी की संतान है, किसी माँ से उत्पन्न हुए, और यहाँ पर नारी के प्रति जिस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, भगवान को भूल जाइए। पहले निकृष्ट है, बिल्कुल जिस प्रकार के यहाँ बात किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ इनका डिबेट से बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। व्यक्ति का यहाँ बैठकर यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आज टीएमसी के लोगों ने किया है और उनका जो साथ दे रहे हैं यहाँ बैठे हुए जो यहाँ पर कम्युनिस्ट लोग हैं, जिस प्रकार के लोग हैं, उन्होंने अपनी माँ का अपमान किया है, उन्होंने भारत माँ का अपमान किया है। इस देश में उत्पन्न होकर ऐसे धर्म में जहाँ माँ को सर्वोच्च दिया गया है, अपमान करना है, ऐसे और यहाँ पर टीम के बाद भी बैठे हुए वो भी किसी बात से उत्पन्न हुए हैं, आज माँ का अपमान किस प्रकार का कर रहे हैं, नारी का अपमान कर रहे हैं, इस देश के मुर्दों को जलांजलि दे रहे हैं आप लोग, शर्म होनी चाहिए आपके। भारतीय संस्कृति के अंदर सर्वोच्च पद माँ को दिया गया है, वहाँ पर माँ का अपमान, शर्म होनी चाहिए राजनीति के लिए। अरे भारत में जाए ऐसी राजनीति, भारत में जाए ऐसी, जिस प्रकार के पद की बात करते हैं, ऐसे सीएम पद की है, ममता बनर्जी भी स्त्री है, ममता बनर्जी भी स्त्री है, विशाल मिश्रा पार्टी की जो अध्यक्षा है वो भी स्त्री है, उनके बाद मुझे बताइए वो ममता बनर्जी जो कहती है कि गंगा सागर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना लेंगी, जो कहती है कि नहीं मैं मंदिर जाकर माँ की पूजा करती हूँ, अगर उसी ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद ने माँ सीता पर सियासत करने के लिए अपमानजनक बयान दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? विशाल मिश्रा जी, मुझे बोलने दीजिए मैडम, मैं तो बोल नहीं पाया, मुझे तो आंसर देना दीजिए प्लीज। लक्ष्मी यहाँ धार्मिक गुरु जो बैठे हैं चोला पहन के, जरा उनको सामने लाइए और पूछिए उनसे कि सीता माता को आप ऐसे सवाल हम पूछ रहे हैं, ये जवाब दे। किस तरीके के शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया गुरु जी के लिए, क्या समझते हो आप लोग? भगवा का अपमान करोगे, भगवा धारियों को खुलेआम मरवाओगे, भगवा के बारे में आप शब्द बोलोगे, सनातन धर्म पे मिट्टी भूमि पर सनातन का अपमान करोगे, हम सुनेंगे, उठा के निकाल देंगे आप लोगों को बाहर, समझे आप? समझे आप? ये वो धरती है जहाँ पर बोला जाता है यज्ञ नारी के पूज्य से रमन के चंद्र देवता, और उस धरती पर माँ का, माँ सीता मैया का अपमान करते हो। हमारे सनातन धर्म में ना बोला जाता है सीता राम, राम सीता नहीं, पहले सीता
राधा मैया का नाम लिया जाता है, बोला जाता है राधा कृष्ण, समझे आप, वो धरती है ये। और उस धरती पर अरे ऋषि मिश्रा अपने नकली जनेऊधारी नेता को बुलाओ इटली से, नकली जनेऊधारी नेता को पहले इटली से बुलाओ और उनसे पूछो कि जनेऊधारी करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, देश को बताए बताए। मर्जी आती है कपड़े पहन ले, मर्जी आती है द्रास पहन ले, और आप आकर के ऋषि मिश्रा यहाँ पर ज्ञान दोगे, ये ज्ञान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान, क्योंकि ये अनैतिक है, ये सनातन धर्म का जो आप लोग अपमान करते हो ना, कभी आपका नेता करेगा, सभी स्टैंडअप कॉमेडियन करेगा, और आप लोग सोचोगे कि हम लेते रहेंगे, नहीं सुन जाएंगे बातें, शर्म कीजिए आप लोग और माफी मांगिए आप, हिंदू समाज से माफी मांगिए, शर्म आनी चाहिए। मैं सबको निकाल के कहूंगा हूं कि आज तक रावण ने जो कृत्य नहीं किया था, रावण ने जिस चीज को करने की हिम्मत नहीं करी, ऐसे अवशिष्टों का ऐसा भावना रखने के लिए यहाँ ये बैठे हुए राजनीतिक लोग मां सीता के संबंध में, समस्त नारी जाति के संबंध में किस प्रकार के अपशब्दों की बात मन में सोचते हैं, वो आज किस मानसिकता के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो साफ साफ समझ आता है। मैं कहता हूँ इनका सामूहिक तौर पर इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनकी बिल्कुल समूह बहिष्कार होनी चाहिए। और यहाँ मुझे समझ में नहीं आती, एक मिश्रा बैठा हुआ है, एक कौशिक बैठा हुआ है, और तमाम जो मिश्रा वर्ग है, तमाम कौशिक वर्ग है, मैं कौशिक गोत्र हूँ, मैं तमाम गोत्रवासियों से कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करें। मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को बाहर निकाल देना चाहिए जो जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि यहाँ पर जो रावण ने कभी सोचने का हिम्मत नहीं करी, जहाँ पर माँ भगवती सीता के संबंध में, साक्षात पराजय के संबंध में, साक्षात भगवती के संबंध में इतनी ही भावना, इतना दुखद है। और आज तक तुमको क्या राक्षस से भी अधम योनि के लोग हो गए आप लोग? भाई आप लोगों ने नाम रखा है विशाल और बात इतनी टूच कर रहे हो, वो भी धर्म के लिए, सामने लाओ, सामने तुम आओ, और नाम रखा हुआ है ऋषि, सामने आने की हिम्मत नहीं है मेरे सामने, डिबेट में होते मैं यही तुम्हारे अच्छी तरह बताता था, तुमको क्या हाल है, यही जूझ समझ आई तुम्हारे भागे, धर्म का इस्तेमाल किसने किया है कि ये बताइए, आप जो लोग इस्तेमाल नहीं करते धर्म का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये सोच है तुम्हारी, ये संस्कार है, ऐसे छलने को लोग समझ चुके हैं और भगवा का राजनीति कर दुष्ट लोग हो तुम लोग, बहने बैठी हुई के बारे में ऐसी भावना रखते हुए कि जो बाप ही भावना है, जो भी भगवती के संबंध में इस्तेमाल कर सकता है, यानी अपनी माँ बहन के संबंध में कितना दिल रख सकते हैं, सोचा देश के अंदर क्या मानसिकता हो रही है, ये मानसिकता है जैसा अंधकार में ऐसा हो जाएगा मन, जिस प्रकार की आईडी में आप लोग गए हैं, आपकी भी लाइफ आई है, इनको भगाने दीजिए, मुस्लिम वोट बैंक हासिल करिए। रोहित चाल जी, इस पूरे डिबेट पर सीधा सीधा मेरा एक ही सवाल है कि मुसलमानों के वोट को हासिल करने के लिए क्या ममता बनर्जी अब सीधे तौर पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगी, कुठाराघात करेंगी सनातन संस्कृति पर? पहली बार नहीं है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी बांटने का प्रयास मत कीजिए, संजीव जी रुक जाइए, प्रयास मत कीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए, जब मैं रख लिया सर, रुक जाइए, बोलने दीजिए, आधार पर राजनीति कर, बोलने दीजिए, पूरे देश अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप हिंदुओं को गाली दे दीजिए, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। देखिए ऋषि मिश्रा नहीं है, ये राक्षस मिश्रा है, राक्षस मिश्रा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जब इनकी माँ और बहन के बारे में कोई इस तरीके की बातें करता होगा तब भी हंसता होगा, इसी प्रकार से शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को, अधर्मी लोग बैठे हैं जो नकली हिंदू बैठे हुए हैं, बाकी लोग हमारी ब्राह्मणों का ठेका आपने ले रखा है, लोगों ने ठेका ले रखा है धर्म का, बोल नहीं पा रहे, आपने एक बार भी उनको उनके आपने एक बार भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा,
शर्मानी चाहिए, वो जिले वो गरीब ब्राह्मण राहुल गांधी बिटिया है कि नहीं है? रोहित चहल चिल्लाइए नहीं, आप बताइए सीता माता के नाम से आपको परेशानी हो गई? सीता माता का नाम ले लिया तो परेशानी हो गई आपको? किसने धर्म का इस्तेमाल किया राजनीति में? दो सीटों से आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं केवल धर्म को सिर बना के, धर्म और धर्म का आप चाहते हैं और ये लोग रोहित चहल जी के साथ हैं, ये लोग बादल जी गाली देकर पहुंचेंगे क्या हिंदुओं को? बादल जी की गाली देकर पहुंचेंगे क्या? लक्ष्मी से ये पूछो, अरे ममता बैनर्जी रोहित जी बादल जी लक्ष्मी, मेरा नाम भी ममता है लेकिन ये ममता दीदी के अंदर है। अरे चमड़ी तो ममता जी टीएमसी की बंगाल की जनता उधेड़ेगी, तो जय श्री राम बोलने पर रोक लगा रहे। सीता मैया का जो अपमान टीएमसी के लोगों ने किया है उसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में देने वाली है। किस तरीके से हिंदुओं का अपमान सिर्फ पुष्टि तुष्टिकरण के लिए मुस्लिम वोट की खातिर लगातार ममता बनर्जी नहीं है, ये मुमताज बानो है, मुमताज बानो लगातार प्रयास में लगी है हिंदुओं को किस तरीके से सम्मानित किया जाए। और यहाँ पर दरबारी बैठे हुए हैं ऋषि मिश्रा जैसे, और ये विवेक श्रीवास्तव जैसे जो ये जोकर बैठे हुए हैं, आप क्या है आप बताइए? आपके अब मेरे बात सुनिए ध्यान से, भारतीय जनता पार्टी भारतीय हिंदू देवताओं को लाकर इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से सनातन धर्म को अपमानित होना पड़ रहा है। मेन कल्प्रेट हिंदू धर्म महेश राखी जी कुछ बोल रहे हैं, राखी जी रखिए मैं आपसे दो बातें कहूंगी आपकी पैनल पे भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए ममता जी की कोई बात नहीं कर रही हूँ, एक मिनट सुनना सीखिए, जब कोई महिला बोल रही हो तो चेक कर लीजिए, आप पहले भी बात बात करिए, आप सर एक मिनट चुप हो जाइए बात सुनिए, आप दो बार तीन बार पूजा करते तो बात करना सुनना सीखिए। मैं आपको धर्म के नाते एक बात बताती हूँ, कर लिया जो सीता मैया का ममता जी ने अपमान कर लिया था, मैं जी हिंदुस्तान के माध्यम से बताती हूँ कि इस बार इलेक्शन में ममता तो गई, बिल्कुल गई। और दूसरी बात आपको बता दूं, पैनल पे विक्रमादित्य जी जो बैठे हैं वो कोई छोटी हस्ती नहीं है, आज अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है उसमें विक्रमादित्य जी का बहुत बड़ा हाथ है, धर्म को लेकर इतने बड़े बड़े आश्रम है इनके, ये काम कर रहे हैं देश के लिए। किसी भी धर्म गुरु के बारे में बात करने से पहले होमवर्क करो भाई, लोगों को पहचानो, क्योंकि आप नेताओं को जानते हो, आप जानते नहीं डॉक्टर भाई राखी कौन है, विक्रमादित्य जी कौन है, क्योंकि आप लोगों को नेताओं की पहचान है, तो पैनल पे बैठ के होमवर्क करके आया करो कि होमवर्क किन के साथ कर रहे हो, किन नाम के साथ कर रहे हो, तब समझ में आएगा और दोबारा धर्म पर हाथ मत उठाना। भविष्यवाणी है, मैं आपको बोल रही हूँ हिंदुस्तान की ममता जी गई, मत दीजिए इलेक्शन हारेंगी आपकी ममता जी। आइए वेद के बारे में आपके साथ देवराज जी लौट रही हूँ मैं, दादा बादल देव, दादा एक मिनट लौट रही हूँ मैं, बता रही हूँ बादल देव दादा सुनो बहुत चिंता हो रही है ना आपको ममता बनर्जी दीदी की, ममता दीदी की बहुत चिंता हो रही है, जाके उनसे ये पूछो रोहिंग्या क्यों बिठाए हैं बंगाल में, रोहिंग्याओं का बंगाल की भूमि में क्या लेना देना, रोहिंग्याओं के आगे जाकर के नमस्ते करती है, ताली बजाती है और सनातन धर्म का बदनाम करती है, सीता मैया को गाली दिलवाती है, ये उनके एमपी ने नहीं बोला है, ये ममता बनर्जी दीदी की जो इच्छा है ना अंदर की वो बाहर निकली है, जय श्री राम बोल देता है कोई वहाँ पर तो उनको जेल में ठुसवा देती है। एक बड़ी खबर आ रही है, सबको रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी खबर कल्याण बनर्जी के शर्मनाक बयान से जुड़ी हुई, कल्याण बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी भारतीय जनता पार्टी, बड़ी खबर आपको बता दें, शर्मनाक बयान मामले को मुद्दा बना सकती है, बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, माता सीता पर शर्मनाक बयान से भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, कल्याण बनर्जी पर FIR भी करा सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त, कल्याण बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते हैं, तो क्यों ना इसको ये माना जाए कि कल्याण बनर्जी की भाषा में ममता बनर्जी के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी FIR दर्ज करा सकती है,
विवेक श्रीवास्तव छोटा सा सवाल ले रहे हो सर, एक एक करके बोलिएगा सभी से, मेरा अनुरोध अन्यथा मुझे आवाज डाउन करानी पड़ेगी, एक एक करके सर मेरी डिबेट का डेकोरम रखिए। विवेक जी आप मुझे बताइए, सीधा सीधा सवाल, भागेगा मत सर, क्या आप इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं, क्या कल्याण बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं, क्या मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए टीएमसी हिंदुओं का गला दबाएगी, उनको कुचलेगी, उनकी आस्था पर चोट करेगी? मैं बता देता हूं, मैं बयान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं बयान को भारतीय जनता पार्टी के एक्शन का रिएक्शन कह रहा हूं। कौन सा एक्शन का रिएक्शन कह रहे हैं आप? दस सेकंड दे दीजिए, ज्यादा नहीं। हिंदू देवी देवता को यात्रा करते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू देवी देवता राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, इलेक्शन में हिंदू को करते हैं और उसके बाद करते हैं एक्शन का रिएक्शन, पुजारियों को बुला करके आप देवी देवताओं को सड़क पर लाते हैं, जैसे राम का नारा लगाते हैं, राम नवमी का जुलूस निकालने पर रोक लगाते हैं, हनुमान जयंती मनाने का रोक लगाते हैं। आप सीतामढ़ी का श्रीवास्तव शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, जहाँ पर आप इतने कौन सा क्यों ढूंढ लेते हैं, कौन सा क्यों ढूंढ लेते हैं कि मैं यहाँ से निकल के भाग सकता हूँ, भगवान से ले सकता हूँ, चुनाव से इलेक्शन से क्या लेना देना है भैया, ये बता दो ना देश को, ये बताओ ना विवेक श्रीवास्तव जी, ये बताइए ना, बड़ा ज्ञान है ना आपको, लाल सलाम होना आपके बहुत बड़े वाले वोट पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, वोट पाने के लिए तो आप लोग लगे हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव सत्ता में आने के लिए हिंदुओं पर गाली बरसा दीजिए, हिंदुत्व पर सनातन संस्कृति पर कठोरा घात करा दीजिए, आप करा दीजिए, मैं लौट रही हूँ इसीलिए आपके पास लौट करने में लगे हुए हैं, मैं लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है कल्याण बनर्जी के खिलाफ, गोलाबाड़ी थाने में शिकायत हो गई है, कल्याण बनर्जी पर हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है, माँ सीता पर शर्मनाक बयान हिंदुओं के लिए ठेस पहुंचाने वाला है ये आरोप लगा है, शिकायत दर्ज करा दी गई है और इस पूरे मसले को, इस पूरे बयान पर भारतीय जनता पार्टी FIR भी दर्ज करा सकती है। ये बड़ी खबर, भड़काने का आरोप लगा है, एक और आप अपमान कर रहे हैं, दूसरी ओर आप भड़का रहे हैं हिंदू भावनाओं को, हिंदुत्व पर चोट करके, देवी देवताओं का अपमान करके। बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, कल्याण बनर्जी पर हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी FIR दर्ज करा सकती है, लेकिन फिलहाल गोलाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज हो गई है। और बड़ी खबर मैं अपडेट दे रही हूँ आपको, थाने में FIR दर्ज हो चुकी है कल्याण बनर्जी के खिलाफ, ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, माँ सीता पर शर्मनाक बयान देने वाले कल्याण बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त, माँ सीता का किस तरीके से अपमान किया, राम भक्तों को कैसे रेपिस्ट कह गए कल्याण बनर्जी, इस बात पर कल्याण बनर्जी माफी मांगने से बात नहीं चलेगी, कल्याण बनर्जी सोच बदलनी होगी। जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले ये खबर में ब्रेक कर रही हूँ, सबसे पहले जी हिंदुस्तान आपको बता रहा है, कल्याण बनर्जी के खिलाफ गोलाबाड़ी थाने में FIR दर्ज हो गई है, हिंदुओं पर भावनाओं को कैसे भड़काया जा रहा है हिंदुओं की, ये आरोप लगा है, कैसे उनको उकसाया जा रहा है, कैसे हिंदुत्व का अपमान किया जा रहा है, कैसे देवी देवताओं की जो आस्था लोगों के मन में रहती है उस पर आघात किया जा रहा है, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले जी हिंदुस्तान आपको बता रहा है, कल्याण बनर्जी पर शर्मनाक बयान देने का आरोप है, माफी मांगनी होगी। बादल देवनाथ, यहां से मैसेज दीजिए अपने सांसद को, दीजिए ममता बनर्जी को, हिंदुस्तान नहीं सहेगा। लौट रहे हैं जी, प्लीज। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और हम लोग एक टॉपर नहीं करते, ब्राह्मण नहीं हो आप लोग, कोई ब्राह्मण माँ सीता का मान नहीं करते, गाली दे रहे हैं, कहिए ना यहाँ से कि ममता बनर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, बोलिए ममता बनर्जी कार्रवाई करे उनके खिलाफ। आप सिर्फ तुष्टिकरण करना चाहते हैं, आप लोगों ने क्या धर्म बदल लिया है? श्री राम बोलने पर चपड़ी उधर जाती है वहाँ की मुख्यमंत्री, सीता का अपराध को पीछे जोड़ देते हैं वहाँ के मंत्री। संस्कृति पर हमला है, ये बंगाल की संस्कृति पर हमला है, ये बंगाल की संस्कृति पर हमला है, हम हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं आप लोग, हम हिंदू संस्कृति पर हमला कर रहे हैं आप लोग, जय श्री राम कहने से रोकते हैं, बलात्कारी कहते हैं सारे हिंदुओं को आप लोग, सीता मैया का अपमान करते हैं, दुर्गा विसर्जन नहीं होने देती ममता दीदी, जिहादी दीदी जो ममता बानो बन चुकी है, ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानो है, जिहादी दीदी रोहिंग्या वोटों के लिए, बांग्लादेशियों के वोटों के लिए, तुष्टिकरण के लिए, जिस तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी, आप लोग हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज देख रहा है, भगवान की जनता जवाब दे रही है,
बंगाल की जनता बर्बाद करने वाली आप लोगों को। क्या ममता बनर्जी नजीर पेश करेंगी कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करके, और क्या उनको नजीर पेश नहीं करनी चाहिए? इतना शर्मनाक, इतना अपमानजनक बयान, कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। बार बार हिंदू धर्म के आस्थाओं से खिलवाड़, हिंदू समाज इसका तिरस्कार करेगा और बंगाल की जनता उनको इसका जवाब देगी। आने वाले जी नहीं, दुर्गा मूर्ति के विसर्जन पर, सरस्वती जी की पूजा पर, पूजा पर जयंती पर विरोध किस लिए? महाजय 30% महा 30% लोगों को खुश करने के लिए किस प्रकार से? मैं तो ये चैलेंज धर्म के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख करके देखिए। 15 साल आप हमारी संस्कृति से पूजनते रमन के चतुर् देवता की संकल्पना है। आप पर से हमारी जगत जननी, हमारी जानकी देवी का अपमान कर रहे, किस प्रकार का शर्मनाक बयान रहे? विशाल भैया, विशाल भैया, हिंदुस्तान को प्रयास करें, अपील करो, एक तो कम्युनिस्ट है, आप क्यों भाग रहे हैं? बयान कर रहे हैं, मैं आवाज जानती हूं, किसे मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, भाग रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है, कुछ सब कुछ नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है, मैं आपको जिंदगी में यहाँ पर खड़ा नहीं आया, आप ही ने कहा था, यहाँ पर आपको समझ दिया था, किसी राम का क्या है, ऐसी गलत बात सोचने वाला व्यक्ति कैसे मानव कहना है उधारी? बताइए आप जो समर्थन करेंगे ही करेंगे, ऐसे बयान किया गया, और यहाँ बैठे हुए लोग जो अपने आप को ब्राह्मण कुल में मानते हैं, किसी और कुल में होते हैं भी ज्यादा, परंतु ऐसे लोगों ने आज यहाँ बैठकर उस बयान का सपोर्ट किया है। ऋषि जी को तो बिल्कुल चुप करा दीजिए, इनका नाम ऋषि पता नहीं कैसे है, ये महिला का सम्मान नहीं करते, ये धर्म का सम्मान नहीं करते, हमेशा मुद्दे से हटकर बोल रहे हैं सर, बिल्कुल क्योंकि इनके पास आप जो बयान करके आए हैं बोलेंगे और सॉरी का मौका तो मुझे मेरे डिबेट का है, कोरम नहीं है सर, जय श्री राम बोला नहीं है, महिलाओं का मन पैनल पर बैठी महिलाओं की इज्जत नहीं कर पा रहे, सीता माँ की इज्जत क्या ही करेंगे, राजनीति में ऐसे लोगों को जगह ही नहीं देनी चाहिए, ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए, ममता बनर्जी को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, ऐसे सांसद को आप मांग करिए ना, आप मांग करिए, आप मांग करिए ना, यहाँ बैठकर आप यहाँ बैठकर बोलिए कि ममता बनर्जी बाहर निकालो, बोलिए समझा दीजिए, साथ में अपनी ममता दीदी को भी समझा दीजिए, बनर्जी दीदी को ये बता दीजिए कि इस देश में भगवान श्री राम सीता मैया सिर्फ सनातनियों का धर्म की बात नहीं है, हमारे देश की आस्था की बात है, यह हमारे देश का गौरवमय इतिहास है, समझे आप? उसके साथ ना आप छेड़छाड़ करेंगे, ना अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये नाम जिनका है ना कल्याण और रखा है बनर्जी, ये पता करिए ये कहां के बनर्जी है, ये इनका बैकग्राउंड क्या है, कहीं ममता दीदी की तरह इनका कोई झोल झपाटे वाला बैकग्राउंड तो नहीं है, और आप यहाँ बैठ करके लोगों का साथ दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, आपका नाम तो सही में जिंगपिंग है ना, आपका नाम, आपका निकनेम मिस्टर विवेक जिंगपिंग साहब, आप ये बताइए आप हिंदुस्तान की सनातनी धर्म की संस्कृति का सम्मान करते हैं कि लाल सलाम वाले देश के संस्कृति को लेकर के इस देश में बैठे हुए हैं आप बताइए इस बात को, और दादा बादल दादा आप तो छोड़ दीजिए, आप कुछ बुद्धि भरिया उनके दिमाग में, ममता दीदी के दिमाग में,
इन्हों ने कसम खा के रखी है कि बंगाल की पावन धरती पर सनातन धर्म को, भगवा को, हमारे देश की संस्कृति को राजनीति के लिए शर्मसार कर रही है। कैसे जोड़ रहे हो आप लोग सनातन धर्म को, सीता मैया को, भगवान श्री राम को, आप राजनीति में कैसे गुला सकते हो? ये स्तर है आप लोगों की राजनीति का, ये आप लोगों की राजनीतिक सोच है, ये आप लोगों का राजनीति करने का तरीका है। आप लोगों पर FIR, कल्याण बनर्जी पर FIR नहीं होनी चाहिए, खाली कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना, क्यों नहीं डालती अपने एमपी को अंदर? क्योंकि ये ममता दीदी चाहती है कि सनातन धर्म और हमारे देवी देवताओं का अपमान हो, और वो करवाती है अपमान, करवाती है वो अपमान। और ये देश केवल बंगाल नहीं, ये देश इनको माफ नहीं करेगा, याद रखिएगा आप लोग। ममता जी एक सेकंड, पाठ्य का स्लोगन बना दीजिएगा, भगवान विष्णु को पाठ्य का स्लोगन बना मत बनाइए, और भगवान विष्णु का एक बार फिर मैं बोलना। अरे दादा, आपकी ममता दीदी की सच्चाई मैं बताती हूँ, पूरे पूरे टेन्योर में, पूरे टेन्योर में उन्होंने वहाँ पर दुर्गा पूजा का विरोध किया, वहाँ पर दुर्गा पंडाल जितने भी पंडाल लगे पूजा के लिए करवाए, और जैसे ही चुनाव आए 185 करोड़ का फंड अनाउंस करा दिया, 185 करोड़ का फंड अनाउंस करा दिया। सनातन धर्म, दुर्गा मैया के प्रति उनका प्रेम जाग गया। उससे पहले तो रोहिंग्या 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 कर रही थी। हाँ, आप लोग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और, ये घटिया राजनीति करोगे और देश को डिवाइड करोगे, नहीं चलेगा दादा, नहीं चलेगा। चौलवे ना दादा, चौलवे ना, याद रखना आप। रोहित जी बोले, मैं एक एक मिनट वापस लौट रही हूं। कि जिस प्रकार का ममता सांसद ने बयान दिया, और देखिए ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो लगातार राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते रहे। ममता जी कहती रही राम, जो जय श्री राम बोलेगा उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। जिस तरीके से कांग्रेस का जो हाल उठा है, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, आज ममता जी और टीएमसी का भी हाल पश्चिम बंगाल की जनता वही करने वाली है, होने वाली नहीं है। जिस तरीके से दुर्गा माता का अपमान किया जी को सुन लीजिए, उनकी आवाज में वैसे ही कुछ तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से स्पष्ट नहीं आ रही। सर रुक जाइए, पार्टी का स्लोगन मत बनाइए। बादल जी अपनी बात रखिए, उसके बाद जवाब लूंगी रोहित जी आपसे। बादल जी बोलिए। मैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ, कितना धर्मों पर मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म का अपमान ऐसे मत कीजिए। सनातन धर्म के बारे में कुछ जानिए, पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दे, हाथ जोड़ के माफी मांगे, पश्चिम बंगाल की देश की जनता से माफी मांगे, आपके सांसद माफी मांगे, आज पूरी विपक्ष को माफी मांगनी पड़ेगी। आज जिस तरीके से राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, लगातार आप लोग अपमानित कर रहे हैं, दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, हनुमान जयंती पर रोक लगाने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप लोग जय श्री राम बोलने के ऊपर चमड़ी उधेड़ने की बात कर रहे हैं, पहले ममता दीदी को माफी मांगनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आज आप हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब ये नहीं है मैं भीख मांग रहा हूँ आप लोगों के पास से। अरे मैं अरे भीख तो मांग रहा हूँ, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है, कहिए ना ममता बनर्जी का जी पेश कर दे। लेकिन भीख भी नहीं देगी पश्चिम बंगाल की दादा, आप किसको बोल रहे हो, कौन लोग हैं? सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान ये तो बता दीजिए। रोहिंग्या के चक्कर में, बांग्लादेशियों के चक्कर में, जिस तरीके तुष्टिकरण के चक्कर में आपने बर्बाद किया, दो सेकंड रुक जाइए। ममता बनर्जी मैं लौट रही हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता माफ नहीं करने वाली आप लोगों को। और ये जो यहाँ पर बैठे ना, देखिए ऋषि मिश्रा हो, चाहे वो कौशिक हो, चाहे ये विवेक श्रीवास्तव हो, इन्होंने एक बार भी कंडेम नहीं किया। इन जैसे लोगों की वजह से हिम्मत होती है लोगों की बोलने की। विवेक श्रीवास्तव सच्चाई है, विवेक श्रीवास्तव, विशाल मिश्रा जी दोनों को रखिए, बाकी सबके पास जाओ सर, एक एक करके आवाज, एक एक करके सर, आवाज नहीं पहुंच पाती है। विवेक श्रीवास्तव यहाँ बैठकर आपने सुना होगा बादल देवनाथ को, वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर माफी मांगने का विषय है, लेकिन आपका हिंदुओं को गाली देने का सकलुज अभी भी चश्मे में चढ़ा होगा, तो उतरा कि नहीं उतरा इतने के बाद। मेरी बात सुनिए, विशाल जी को रखिए, इस देश में, इस देश के अंदर ये कोई कल्याण की बात नहीं है, वो गलत हो गलत बोला, लेकिन आप कम से कम पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, इन कारणों में तो जाइए कि आज के किस कारण में जाऊंगी सर, कौन सा कारण सिखाएंगे आप, वो गाली दे रहे हैं आप मुझे, कारण बता रहे हैं, वाह धन्य है आपकी राजनीति। विवेक जी आप
आप गाली देंगे, मुझे आप सिखाएंगे। आप इस प्रकार के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, शर्म आती है इस प्रकार के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। साफ साफ कहिए ना, लोगों पर भी ध्यान दिया करिए, गाली देने से हिंदू सनातन संस्कृति को गाली देने से आप लोगों का सत्यनियम स्थापित होता है। हिंदू प्रतिष्ठाओं, हिंदू प्रतीक चिन्हों को अपमानित करके आपका सत्यनियम स्थापित होता है। आप जहाँ जहाँ पर ये वामपंथी रहे, जहाँ जहाँ इनका वर्चस्व बना, वहाँ वहाँ पर इन्होंने रक्त रंगित इतिहास की रचना की। आज पश्चिम बंगाल भी इनके इसी रक्त रंगित संस्कृति का परिणाम बन चुका है, जिसको टीएमसी आगे बढ़ा रही है। टीएमसी न्यू लेफ्ट है, टीएमसी न्यू लेफ्ट है। आज की डेट में आपको भी नहीं? नहीं, मैंने कहा कि ये जो बैठ करके यहाँ लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, देश की जनता खूब समझती है कि राम के नाम पे राजनीति किसने किया है। औरतों को बेशर्म है, ये लोग इतने बेशर्म है कि औरतों के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है हम यहाँ बैठ के बोल नहीं सकते। और ये सिखाएंगे औरतों के बारे में, औरतों के बारे में उत्तर प्रदेश जिसके संदर्भ में ये बात कही गई है, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में औरतों की स्थिति क्या है, वहाँ क्या है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि औरतों के साथ बदतमीजी होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। और ये राम राज्य लागू की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में ये बात कही गई है, इस संदर्भ में बात कीजिए, आज को घुमाइए। मां सीता कहा जाता है, एक मां का अपमान किया है, देवी का अपमान किया है कल्याण बनर्जी ने। आप एक महिला, सिर्फ महिला तक सीमित कर देते हैं। केवल सीता मां के अपमान से आप लोगों को इतना चिंतित आ गई है? अरे आपकी आवाज है, आप सीता मां है, माफी मांगने के बारे में बात कीजिए आप लोग। केवल और केवल राजनीति के लिए सीता मां को बेटी बना के इस्तेमाल मत कीजिए, ये वही कर रहे हैं और ऐसा नहीं होगा। देश की जनता ये बात समझ रही है। बाबरी मस्जिद टूटी थी तो कोई माफीनामा आया किसी का? अरे बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर टूटा था, आपके लोगों ने राम मंदिर तोड़ा था, बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, जिसको आप पूछते हैं बाबर 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 औरंगजेब औरंगजेब, उस बाबर ने तोड़ा था। सबकी आवाज डाउन। बादल जी फाइनल कमेंट आपसे ले रही हूँ, क्या माफी मांगेंगे? सर लौट रहे हो जल्दी से, सर बिल्कुल नहीं, एक बैन को लेके ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत बोलिए। माफी मांगिए, पूरे हिंदू समाज से, हिंदू सनातन संस्कृति से माफी मांगिए। ये हिंदू की आस्थाओं का अपमान है, हिंदू की आस्थाओं का अपमान है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद आप सभी का। डिबेट में समय मेरे पास इतना ही था, डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। कल्याण बनर्जी पर कड़ी कार्रवाई करके ममता बनर्जी को नजीर पेश करनी होगी, कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी होगी। यह देश मां सीता और भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वोट के लिए आप मुस्लिम वोट बैंक के लिए मैं खुलकर कहती हूँ, आप हिंदुओं की आस्था पर चोट करेंगे, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। शंकरान में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी मुद्दे पर 10 मिनट बाद हिंदुस्तान के फेसबुक लाइव पेज पर मैं लाइव आपके साथ जुड़ूंगी। आप ही मेहमान होंगे, आप दर्शक होंगे। इस पूरे बहस को लेकर आप तक क्या मैसेज पहुंचा, यह भी बात होगी। जुड़िए मेरे साथ हिंदुस्तान पर 10 मिनट बाद फेसबुक लाइव पर।